वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ आवर एक्सप्लोर गाइस, दिस इज अक्षय चोपड़ा और आज हमें मकाओ के अंदर, एक्चुअली कल आ गया था मकाओ के अंदर बट कल शूट नहीं किया था, थोड़ा बहुत इधर उधर एक्सप्लोर कर रहा था। आज थोड़ा शूट करने के निकला हूँ जगह घूमने के लिए और अच्छे लोग यार यहाँ के जगह दे देते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं रुइंस ऑफ सेंट पॉल चर्च, तो वहाँ जाकर व्हील एक्सप्लोर किया जाएगा। मेरे होटल की सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पर है और उधर फटाफट चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसी जगह है। तो सेंट पॉल जा रहे हैं सर, देखो पतली गली में भी बसें चल रही हैं। अब दिक्कत ये है यहाँ पे बसें जा रही हैं, टैक्सी कम है और टैक्सी बुक करने की कोई ऐप नहीं है। कल मैं उधर एयरपोर्ट से जब होटल आया था तो टैक्सी पे आया था, टैक्सी पता नहीं यहाँ पे यार चार्ज करने का क्या हिसाब है, कोई मिनट का नहीं है, कोई किलोमीटर का नहीं है, हर मतलब 10 सेकंड में $2 चार्ज हो जाते हैं अपने आप। तो एक घंटे के अंदर आप लगा लो $120 और डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, मुश्किल से 6 या 7 किलोमीटर बस जाम में निकाल के 1-1.5 घंटा बर्बाद करते हैं और डॉलर हर 10 सेकंड में $2 बढ़ते जाते हैं कि मीटर में, और स्टार्टिंग ही $30 से कर रखी थी। पर ठीक है, चलो आए हैं तो ठीक है, पर कोई ऐप वैप होनी चाहिए टैक्सी बुक करने की, दूर जाने की। जिसको पूछ रहे सब कह रहे बस में जाओ, बस में किधर से जाए बंदा। तो अभी ट्राई करते हैं टैक्सी लेने की जहाँ दूर दूर जाना है। सो आई विल शो इट अप टू यू। ये स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स हैं जो मुझे अभी मोस्टली दिख रहे हैं, ज़्यादातर जगह पर सिर्फ पॉक और बीफ ही अवेलेबल है गाइस। अभी हम रुइंस ऑफ सेंट पॉल पर चर्च जा रहे हैं तो इसके लिए सामने चढ़ाई करनी है, ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर ही है मेरे होटल से। अभी सुबह के यहाँ के बज रहे हैं 12:15 के करीब, तो चलो ये जा रही है टैक्सी, ये काले रंग की होती है इधर, तो इनका कुछ नंबर कुछ तो होना चाहिए यार। और यार चिकन नहीं मिल रहा, वेज अभी देखूंगा, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढूंगा ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो सामने पहुंच गए हम चर्च, चलो जल्दी ऊपर पहुंच के आपको अच्छे व्यू से दिखाता हूँ। तो गाइस ये कैथलिक चर्च है यहाँ का, बहुत पुराना, सेंट एंटोनियो, इसको काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे फोटो खींचते हैं। मुझे लगा था यही है रुइंस ऑफ सेंट पॉल, पर अभी वो थोड़ा सा और आगे है 200 मीटर, तो वहाँ चलते हैं फोटो खींच लेते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत। तो गाइस ये शॉप पे रुके हैं, स्मूदी पीता हूँ, बढ़िया सी मैंगो स्मूदी, दिस बिग, ओके ठीक, $32। एक सेकंड 22 पैसे देता हूँ, दिखाता हूँ भाई, बहुत सही तरीका है, सामने फ्रेश आइटम बनती है। थैंक यू, बढ़िया दिखने में तो अच्छा लग रहा है मैंगो शेक, मैंगो शेक की तरह, बड़ा मुश्किल समझाया है इसको बाद में कैसे बने। थैंक यू, ड्रिंक ओके, वेरी नाइस। तो गाइस यहाँ की मकाओ की सबसे ज़्यादा फेमस जो चीज़ है वो एग टार्ट, सो वील गो अहेड एंड ईट दिस एग टार्ट, गिव टू एग टार्ट, करीबन $10 का एक है, यानी कि ₹110 का, यस कैश। तो गाइस सबसे फेमस चीज़ जो है यहाँ की वो है एग टार्ट, अंदर अंडा भरा होता है और ये पैटी जैसी अपने फैन की पैटी होती है उस तरीके से है, तो इसको जल्दी से खा के देखते हैं। मीठा अंडा है, मीठा अंडा बहुत सही लग रहा है ब्रेकफास्ट के लिए, तो मेरे को बड़ा सही लग रहा है, साथ में मैंगो शेक पी रहा हूँ, ये मैंगो स्मूदी। पर सच्ची में मैंने वीडियोस में देखा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट खाने में बड़ा टेस्टी है, मीठा अंडा है इसके अंदर, गाइस पहुंच गया हूँ वहाँ पे और बहुत ही प्यारी जगह है वो, पीछे रुइंस ऑफ सेंट पॉल है, अभी वहाँ पे जाऊँगा। सब लोग यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट, बहुत अच्छा है खाने पीने की जगह और सब लोग इधर फोटोज़ खींच रहे हैं। चलो अभी यहाँ से चलते हैं ऊपर और देखते हैं यहाँ पे कैसा लगता है। तो गाइस ये यहाँ का एक मंदिर है, ये रहा सेंट रुइंस, सॉरी रुइंस ऑफ सेंट पॉल, जिसके पीछे मंदिर है, ये आपको उसका फ्रंट व्यू दिखाऊँगा, मैं नीचे वाली साइड से आया हूँ इधर से, अभी फ्रंट व्यू दिखाऊँगा, तब तक ये मंदिर देखो, बहुत प्यारा जापनीज टाइप मंदिर है हांगकांग का, अगरबत्तियाँ जल रही हैं बाहर,
जय कर दो। चलो ऑलरेडी गाइस, ये देखो फ्रंट से पॉइंट पर जूम करना पड़ रहा है, काफी ऊंची बिल्डिंग है, पर मुझे लगा इसके अंदर कुछ होगा, बट अंदर तो कुछ है ही नहीं। आओ चलते हैं अंदर, अंदर से मामला थोड़ा है नहीं, ये मैटर है अंदर, मुझे लगा कुछ होगा अंदर, बट बस फोटो खींचने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। मेरा चश्मा भी टूट गया यार, और ये पता नहीं क्या है जो समझ नहीं आ रहा यार, यहाँ की भाषा में क्या लिखा हो, पर कुछ पत्थर जैसे पड़े हैं अंदर, सब में अलग अलग टाइप के, जो पुराने चर्च के बचे हुए होंगे टूटने के बाद, कुछ ऐसा ही होगा। तो गाइस ये लास्ट व्यू ले लो इधर का, बहुत ही सुंदर, के सामने अपना रुइंस ऑफ सेंट पॉल। और खाने वाने का गाइस, खाने का तो बहुत कुछ मन है, बट ना यहाँ पे चिकन की वैरायटी कम है, पॉर्क और बीफ ज़्यादा है, मैं दोनों ही नहीं खाता हूँ। सो पीवी के एक टाट खा के देख रहे हैं, बाकी भी जहाँ चिकन और मिलेगा देखते हैं। कल तो मैकडोनल्ड्स और ये सभी खाया था मैंने, फिलहाल एग टार्ट्स खाए हैं तो पेट भर गया थोड़ा। ये मैं सोच के आया था आम पापड़ है, बट ये पॉर्क और बीफ ही है यार, ये भी कोई नहीं। यहाँ पे मैंने फिर से एग टार्ट खाया, अब देखो काफ़ी अच्छे खाने की जगह, बट वो ये पॉर्क बीफ ही है, चिकन का ऑप्शन भी बहुत कम है। तो गाइस ये अब उसके सामने से रास्ता जा रहा है, यहाँ से 1 किलोमीटर है मकाओ टावर, तो यहाँ तो अभी टैक्सी वैक्सी का कुछ जुगाड़ है नहीं खास, चलने का बड़ा मुश्किल से है मेरे हिसाब से। तो अब देखो ये पॉर्क बीफ ज़्यादा और एक्टार्टी है इधर खाने को मोस्टली, ये देखो हर जगह ये क्या बोलते हैं इसको, जर्की बोल रहे हैं इसको, चिकन की होती तो पक्का खाते हैं या मटन की होती, बट है नहीं अवेलेबल। कल तो मैं इतना ढूंढ के, कल मैं फूड ही एक्सप्लोर कर रहा था गाइस, और इतना ऑप्शन कुछ खास मिला नहीं। कल तो मैं मैकडोनल्ड और इस सब चीज़ पे डिपेंड रहा था, पर मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। एग टार्ट्स देखो आपको हर जगह मिलेंगे, और जर्की आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो आपको वो दिखाऊँगा, बर्गर खाए हैं वो सब तो आपको क्या ही दिखाऊँगा। यहाँ पर सब हर दुकान पर सेम ऑप्शन मिलेगा खाने को, हर दुकान पर। ये देखो ये पापड़ टाइप बना रहे हैं, ये खाया है मैंने, कुछ ठीक सा ही है, उसमें भी चिकन के फ्लेवर्स वाले हैं, चिकन या पता नहीं क्या, और इनको भाषा इतनी आती नहीं, तो आप इनको बोलोगे कि हाँ भाई चिकन कहेंगे ये ऐसी है, वो नॉन वेज को चिकन ही समझ रहे हैं और कुछ नहीं है, बीफ और पॉक समझते हैं बोलना। देखो यहाँ पे भी सब एग टार्ट्स, रश हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, सैटरडे संडे है इस वजह से भी, बाकी सब कुछ है, देख ही लिया गाइस। चलो आगे चलता हूँ मैं भी, थोड़ा तेज तेज निकलने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा रश है, शूट करने में भी दिक्कत हो रही है। क्रिसमस की डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, सामने वो लाइट वाला पूरा क्रिसमस ट्री, भी ऊपर सारी लाइटें वाइटें लगी हुई हैं, भीड़ बहुत है यार। ये व्लॉग लगता लंबा बनने वाला है तो पार्ट्स में डालूंगा, मकाओ में भी एक दिन हो रहा है मेरे पास, कल तो मैंने शूट किया ही नहीं, 3 दिन मकाओ में हूँ, 4 दिन मैं हांगकांग में हूँ, तो कल का दिन मेरा वैसे भी उधर जाने वाला है, कोई मेरा ट्रिप बुक है यहाँ का, तो होटल में देख रहा था मैं, उनको दिया है अभी करने को,
तो आज ये तो चार पांच जगह साइट सीन वाली आज ही है। ये क्रिसमस ट्री बना रखा है, रात को लाइट जलेगी इसमें। जगह तो सुंदर है, प्यारी है। हाँ गाइस, पार्क में आए हैं, मतलब रास्ते में ही पड़ रहा है ये। वो इतना सुंदर है ना, अपने इधर ऐसे पार्क हो जाए तो हो। क्या ग्रीनरी है, क्रिसमस के लिए यहाँ पे भी सज रखा है। करीबन यहाँ से 800 मीटर या 1 किलोमीटर के 1000 मीटर के अंदर ही सामने मकाओ टावर है। तो ये क्रॉस करके वहाँ से सीधा मकाओ टावर ही जाता हूँ। अभी खुल किस तरफ रहा है, दूसरी तरफ ये नहीं पता, उस तरफ है। चलो सो गाइस, अभी आ गए हैं मकाओ टावर। अच्छी खासी डेकोरेशन हो रखी है इधर भी। तो नीचे से मिलेगी इसकी टिकट, मैं आपको दिखाता हूँ किधर से लेनी होती है। नीचे वाले फ्लोर पर जाना पड़ता है, ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट में। और यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, अच्छा खासा मॉल है। अब देखते हैं यहाँ पर टिकट किधर से मिलेगी। चलो बाकी गुची वूची अरमानी अरमानी यहाँ पे नॉर्मली हर जगह अवेलेबल है। सड़कों पे इजीली शोरूम खोल रखे हैं हर जगह, एक ही स्टोर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से एक फ्लोर और नीचे ऑब्जर्वेशन डेस्क मकाओ टावर का। वो लिखा स्काई पार्क टिकटिंग काउंटर, लेफ्ट जाना है यहाँ से। यहाँ पता नहीं क्या ये मकाओ क्रिएशंस करके। चलो यहाँ से गाइस टिकट लेते हैं। टिकट प्राइसिंग आपको बताता हूँ, वैसे ऑनलाइन तो कुछ आ रही थी, ज़्यादा नहीं पता करते हैं क्या है हिसाब किताब। इधर ऑनलाइन मेरा बुकिंग नहीं हो पा रहा है इधर से, कुछ भी पता नहीं, गलती कर दी, पहले करा के आना चाहिए था। मकाओ का मैंने बुकिंग सही से करी नहीं। चलो यहाँ पे जाते हैं। तो गाइस अभी आ गए हूँ लिफ्ट के अंदर, 61 फ्लोर पे जाने वाली है ये मकाओ टावर। जो 58 पे मेन ऑब्जर्वेशन डेस्क है और 61 पे आउट हो रहे, देखो यहाँ सबको बाहर लेके और ये चल रहे हैं फ्लोर टक टक टक। बुर्ज खलीफा से स्लो है पर ठीक है, कान बंद हो गए गाइस बिल्कुल। तो गाइस आ गया हूँ मकाओ टावर। ये वैसा ही मामला है जैसे उधर 360 था, क्या बोलते हैं, हनोई में लोटे होटल के टॉप पे। और ये देखो पूरा मकाओ दिखेगा आपको मकाओ टावर से, सुपर। ये ऑब्जर्वेशन डेस्क है इसका 58 फ्लोर, अभी इससे ऊपर भी जा सकते हैं हम 61st पे, उसके लिए स्टेयर्स हैं। पूरा 360 व्यू है चारों तरफ से देख सकते। वैसे जो फोटो खींचने का मजा है वो बाहर से है कि टावर दिखे, टावर अंदर से तो दिखता नहीं है, पर ठीक है ऊपर से व्यूज अच्छे आते हैं। मेन चीज़ है जो ग्लास लगे होते हैं ना गाइस, इसके ऊपर खड़े होने में जो फील आती है ना कि आपको पूरा नीचे 60 फ्लोर नीचे दिखता है, ये बहुत मज़ा आता है। दिखा दिया गाइस आपको, नाउ लेट्स गो ऑन द टॉप 61। और ये आ गया है 61, ये स्काई पार्क। यहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हैं और व्यू का मजा ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे वो एसी में था गाइस, ये थोड़ा खुला है ऊपर से, तो यहाँ पे हवा आ रही है बहुत ठंडी। ये और ऊपर आ गए हैं, इसके आगे ये जगह है तो अच्छे से व्यू वैसा नहीं आ रहा, बट वैसा ही दिख रहा है। और इसके नीचे वो नहीं है, ये नीचे फूड फेस्टिवल चल रहा है,
असली जो फोटो आएगी वहीं खड़े होके आएगी नीचे जाके स्काई टावर के साथ में। ये बिल्कुल मकाओ टावर के नीचे। यार ये समझ नहीं आ रहा मकाओ टावर के फोटो कैसे खींचनी है, इतनी ऊंची बिल्डिंग दिख भी नहीं रही है ऊपर कैसे दिखे। ये रहा, इधर है, आ जाएगी, करते हैं कोशिश। कहीं दूर जाके उधर फ्लाईओवर खड़े होगी नहीं पड़ेगी, पूरा टावर चाहिए तो चलो देखते हैं। बहुत प्यारा व्यू है गाइस, ये मज़ेदार है। ऊपर जाकर इतना मज़ा नहीं है जितना यहाँ पर देख कर आ रहा है। वाओ, ऑलरेडी गाइस सामने वो पर्शियन वर्शियन और वेनिस वाला है, वो देखो आईफिल टावर अगर आपको दिख रहा हो, ज़ूम करता हूँ, क्लॉक टावर ये वो सब है इधर, तो अभी उधर जाएंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि पांडा पवेलियन जाता हूँ, सामने वाला ये वो कितना अच्छा लग रहा है, क्या मैटर है वो। चलो तो गाइस अब हम जाइंट पांडा पवेलियन में आ गए हैं, और यहाँ पे लोग देख तो रहे हैं, वो देखो बड़े शुरू करते हैं हम भी, क्या है देखें। अरे पता नहीं क्या, वही ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, जो नीचे मुंह डाल रखा है तेरा। उई देखा गाइस, ये गाइस आई थिंक हाँ बंदर है अंदर, वो छोटे छोटे, वो इनकी शक्ल बहुत डिफरेंट है, जूम होके दिखेगी क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं पर बहुत डिफरेंट शक्ल है, इसमें कैमरे में नहीं पता लगेगा। ये एक नीचे आ गया, शीशे में इसकी रिफ्लेक्ट मार रही है। गाइस ये बहुत रेयर एनिमल है, रेयर एनिमल मस्त है। सो गाइस ये पांडा पवेलियन है और यहाँ पे पांडा देखने हैं, स्पेशली जाइंट पांडा, वो देखो यहाँ से दिख रहा है, ये ऊपर मस्त सो रहा है। मेरा पांडा मेरा फेवरेट एनिमल है, बहुत सही लग रहा है। तो गाइस ये देखो मेरे पीछे पांडा, मैं जूम करता हूँ, जूम होएगा नहीं क्या, ये पीछे लेटा हुआ है आराम से पेड़ के ऊपर। बहुत अमेजिंग जगह है यार, अगर आपको पांडा और रेयर स्पीशीज पसंद है तो आप इधर आ सकते हो, जगह का नाम है जाइंट पांडा पवेलियन, यू मस्ट कम हियर, अच्छा है यार। वो एसी वाले थे, ये ओपन वाले हैं, मस्त बैठा है सामान खिला के अपना। ये देखो गाइस इसे बोलते हैं फ्लेमिंगोस, सुंदर। तो गाइस अभी ये यहाँ पर ग्रैंड पांडा पवेलियन में लिया है, अब ये बीफ तो नहीं है, ये तो मैंने कंफर्म कर दिया, अब ये किस चीज़ का ही है तो समझ नहीं आ रहा है, पर भूख लग रही है और यहाँ पर बस यही अवेलेबल है खाने को, बाकी तो वो पोर्क और बीफ ही था, ये कुछ और ही है, चिकन होगा आई थिंक, सो खा के देखते हैं कैसा। सो हेयर गोज द बिग बाइट। बहुत सही है, बन भी बहुत सॉफ्ट है, मजा आ गया। फाइनली गाइस मुझे चिकन मिल गया है, अब ये खाता हूँ और स्मेल थोड़ी सी अच्छी लग रही है, पर खा के देखते हैं, चलो आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे बीफ पड़ा है, वो चिकन पड़ा है, ये डक और चिकन पड़े टंगे हुए। सो गाइस ये है वेनिशियन, पूरा वेनिस बना हुआ है ये देखो, और पानी होना चाहिए था सपोज टू भी इसके अंदर, बट पानी नहीं है अभी फ़िलहाल, अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। यहाँ वैसे बोट चलती है तो पानी नहीं है, जिसके चक्कर में आए थे। और सामने वो पूरा लंदन बना रखा है, बिग बेन और बोरा पैरिस आ गए, तो अभी तीनों एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वेनिस। अब मैं जा रहा हूँ वेनिशियन के अंदर, देखते हैं क्या मैटर है अंदर का।
खुशबू तो अच्छी आ रही है अंदर। ये क्या है? चलो तो थोड़ा आगे जाके कंटिन्यू करता हूँ गाइस। तो इस होटल में हमारी बुकिंग थी ये टीम लैब सुपर नेचर की, तो लेट्स गो देयर। कैश निकाल के देखें क्या ऐसे एक बारी। ये है भाई साहब अंदर से तो मज़ा, ये पूरा अंदर वेनिस बन रखा है गाइस। आप वेनिस में और यहाँ पर फ़र्क नहीं बता सकते। ऊपर आसमान देखो, ये सब नकली है पर सब असली जैसा लग रहा है, मतलब ऊपर वाला आसमान, बाकी सब तो असली है। तो अमेजिंग। अब आगे जाता हूँ। अभी यार इसकी लाइन चल रही है बहुत, वरना बैठ जाते हैं हम बोट में। नंबर लगे हुए हैं यहाँ पे और उन्होंने कह रहे हैं एक घंटे बाद आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कितना प्यारा लग रहा है ये। वाह, बहुत ही अमेजिंग जगह है। बहुत सही है यार ये जगह, बहुत जोरदार लगी मुझे। अलग ही फील है गाइस, एक्सप्रेस नहीं की जा सकती पर बहुत सही। इधर में खुशबू ही अलग आ रही है। तो हमको यार कहीं जाना है, टीम लैब जो यहाँ का सबसे फेमस वो है। पूरी रेस्टोरेंट की भीड़ देखो गाइस, लाइन लगी है। पर मैं वो जगह ढूंढता हूँ टीम लैब्स जहाँ जाना सुपर नेचर। ये देखो ये गाना गा रहा है। उधर पता नहीं रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ क्यों है, लाइन लगी है फुल। अच्छा हुआ टाइम खत्म हो गया, मैं बैठ नहीं पाया इसके अंदर, बड़ी स्लो स्लो देखने में ही मजा आ रहा है बस। चलो लेट्स गो एंड फाइंड टीम लैब, उससे पहले वो भी बंद हो जाए।